Let's go. Let's do this! Come on! सो हेलो एंड वेलकम गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम फिर खेल रहे हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 यानी कि GTA 5। तो गाइज अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो गाइज आपको पता ही होगा माइकल ने जो है गुस्से में आके तोड़ दी थी जिमी की टीवी, पूरी कुर्सी उठा के मतलब टीवी पे दाब दी थी, मतलब पूरी टीवी तोड़ दी थी। आप लोग देख सकते हैं सामने की तरफ ये टीवी है, गाइस पूरी टीवी की हालत खराब कर दी। एंड गाइस आप लोग इसका गेमिंग सेटअप देख रहे हो, मतलब ये बेड पे लेटे लेटे गेम खेल सकता है। आप लोग देख ही सकते हैं इसका क्या सेटअप है। नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं स्पीकर सिस्टम और लैपटॉप पड़ा है बस ऐसे ही, और वहाँ पर कंप्यूटर है। गाइस इसका क्या मतलब सेटअप है, पूरा रूम गेमर वाला, आप लोग स्टीकर से भरा हुआ पूरा। ओके तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम लोग कुछ मिशन करेंगे, जैसे कि आज मैं आपको लेस्टर का मिशन करके दिखाने वाला हूँ। आप लोग मैप में देख सकते हैं एल का जो ब्लिप है वहाँ पर है लेस्टर का मिशन, मतलब वहाँ पर हम लोग को जाना है और लेस्टर का मिशन करना है। गाइस लेस्टर के मिशन जो है वो काफ़ी तगड़े एंड खतरनाक होते हैं। तो गाइस अब तक तो मुझे भी नहीं पता कि कैसा मिशन है एंड क्या करना है, तो गाइस चलते हैं देखते हैं वहाँ पर कैसा कुछ मिशन है एंड कैसे करना है वो मिशन। तो गाइज आज आप लोग देख सकते हैं माइकल का जो लुक है वो काफ़ी अलग सा लग रहा है। माइकल ने आज काफ़ी अजीब सी ड्रेस पहनी, आई मीन अच्छी ड्रेस पहनी है, अजीब सी नहीं है। एंड गाइज इसका जो हेयर स्टाइल है मतलब हेयर भी बहुत बड़े हो चुके हैं। तो गाइज हम लोग लेके चलेंगे हमारी लैम्बोर्गिनी टर्ज़ो, आप लोग देख ही सकते हैं पूरी इसकी जो बॉडी है क्रोम फिनिशिंग की हुई है। एंड गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका कलर कैसे चेंज हो गया, लास्ट वीडियो में तो रेड था। तो गाइज इसका जो है मैंने इसको ले जाके मॉडिफिकेशन की थी लास्ट टाइम, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो गाइज अभी हम लोग लेके चलते हैं हमारी कार को, मतलब लैम्बोर्गिनी टर्ज़ो को उस मिशन पर। गाइज आप लोग देख सकते हैं क्या तगड़ी कार है, एंड इसको धूप में चलाएंगे तो और भी मतलब तगड़ी लगेगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरी इसकी जो बॉडी की शाइनिंग है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ कहाँ पर है मिशन, तो थोड़ा दूर है शायद से यहाँ पर। ओके तो लेके चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कैसा मिशन है। एंड गाइज लेस्टर का मिशन है, इसका मतलब काफी तगड़ा ही होने वाला है, छोटा मोटा मिशन देता भी नहीं है वो। एंड गाइज माइकल ने जो है लेस्टर से इसलिए दोस्ती वापस की थी, मतलब इसका पुराना दोस्त था तो इस लेस्टर से इसलिए हेल्प मांगने गया वो भाई हमारी गाड़ी। तो गाइज माइकल जो है लेस्टर के पास वापस इसलिए गया था क्योंकि माइकल को पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि गाइज अब जो है माइकल को उसके पैसे लौटाने। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा माइकल को जो है वो मार्जिन मद्रासों के पैसे चुकाने हैं। ओके तो आप लोग देख ही सकते हैं इस कार की स्पीड, मतलब पिकअप एंड स्पीड कितनी अच्छी है, मतलब इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता पिकअप बढ़ाने के लिए। ओ भाई साहब क्या स्पीड, आप लोग देख सी, ओ भाई आगे की तरफ यार, मतलब इस कार को चलाने के लिए ना गाइज या तो हाईवे होना चाहिए भाई, तो ये बीच में एक्स्ट्रा मिशंस आ जाता है ना रोड पे चलते चलते। भाई मेरे से तो कंट्रोल ही नहीं हो रही ये कार, अरे यार बीच में से। एंड गाइज ये कार जो है काफ़ी चौड़ी कार है, मतलब एक ट्रक से भी ज़्यादा जगह घेर लेती है। ओके तो गाइज आप लोग देख ही सकते हैं हम लोग जो है ऑलमोस्ट आ चुके हैं हमारी लोकेशन पे, एंड हमने जो है उड़ा दिया वो जो भी था जो, तो यहाँ से हमें। एंड गाइज हमारी इतनी महंगी कार है, अगर हम लोग मिशन पे जाएंगे तो कोई उड़ा तो नहीं लेगा, वैसे कोई नहीं उड़ाएगा गाइज, ये लोग जो है वो वापस मतलब हमारे जो गैराज में रखवा देते हैं हमारी गाड़ी को, तो यहाँ पर सेफली पार्क कर देते हैं। अगर हम लोग मिशन करते हैं तब तक गाड़ी यहीं पड़ी रहती है। एंड गाइज अगर हम लोग को वापस यहाँ पर नहीं मिलती तो घर पर मिल जाती है, क्योंकि ये लोग घर पर वापस छोड़ देते हैं गाड़ी को। तो अभी चलते हैं देखते हैं लेस्टर के मिशन, इसके तो मिशन छोटे मोटे होते ही नहीं है गाइस। अरे भाई तो गाइस इसके लिए अभी हमको वापस सूट पहनना पड़ेगा, मतलब कुछ अच्छी सी ड्रेस पहननी पड़ेगी। लेस्टर को प्रॉब्लम क्या है हमारी ड्रेस से। तो गाइस चलते हैं वापस। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम जो है वापस आ चुके हैं सूट बूट पहन के। तो गाइज अब जो है हम लोग जाते हैं अंदर एंड देखते हैं कैसा मिशन है, आई मीन लेस्टर अंदर पहले से था। एंड गाइज ये जो है एक गारमेंट फैक्ट्री है, अभी लेस्टर ने बताया था। अरे भाई फ़ोन क्यों आ गया। तो गाइज अभी चलते हैं अंदर। एंड गाइज हमारी कार जो है कैसी चमक रही है, तो गाइज बस कोई चुरा ना ले, बाकी लेस्टर जो है घर पर पहुँचा देगा कार।
the hell is this place? Garment factory. Hello guys. I needed a job that didn't require me to do anything apart from So यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं सिलाई की मशीन पड़ी है. What do you got? The Holy Grail, Union Depository. They say it cannot be hit. Hasn't been yet. Look, I just owe some Mexican hood a couple $1,000,000 to rent this girlfriend's house. I don't need to go crazy. Which Mexican? Martín Lozano. He's not supposed to be very nice. Oh, I met him. He was charming. So what do you think? Let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier. I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Evangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. They're moving south, they're all down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City. He went quiet. Alright, well, we're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. ओके तो गाइज अब जो है हमें जाना है एक ज्वेलरी शॉप पे क्योंकि गाइज माइकल को जो है पैसे की ज़रूरत थी वो भी मार्टिन मद्रासो के पैसे चुकाने के लिए. तो गाइज अब जो है माइकल ने लेस्टर ने जो है आइडिया लगाया कि अब जो है हम लोग मतलब एक ज्वेलरी स्टोर को टारगेट बनाएंगे एंड गाइज वहाँ पर जो है इन लोग चोरी करेंगे. तो गाइज माइकल बोल रहा है क्रू की ज़रूरत पड़ेगी यानी बहुत सारी टीम की ज़रूरत पड़ेगी. तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर कुछ प्लान बनाने के लिए फोटोज खींचने के लिए वहाँ के. तो गाइस अभी जो है अभी मतलब लेस्टर ने बोला कि वहाँ पर ऊपर की तरफ जाना है यानी मतलब उस ज्वेलरी शॉप के टेरिस पे जाना है एंड सबसे पहले तो ज्वेलरी शॉप में जाना है एंड गाइस वहाँ से जो है हमें अंदर की तरफ से फोटोज खींचने कैमराज के एंड सेंसर्स के. एंड गाइस ये जो है हैकर बंदा है तो गाइस ये जो कुछ भी कर सकता है टेक्नोलॉजी के साथ. तो गाइस अब जो है हम लोग को पहले तो अंदर से फोटोज खींचने एंड फिर गाइस हम लोग ऊपर की तरफ जाना है ऊपर से फोटोज खींचने ताकि मतलब लेस्टर जो है अच्छे से समझ सके सारी चीज़ें आई मीन अच्छे से स्टडी कर सके ज्वेलरी शॉप को. फिर गाइज हम जो है क्रू बनाएंगे एंड उसके बाद हम जो है इस मिशन को चालू करेंगे आई मीन मिशन को ऑन करेंगे. अगर गाइस हम लोग जो है अभी लेस्टर की कार में जा रहे हैं या फिर शायद ये माइकल की कार है पता नहीं क्योंकि गाइस हम लोग जो है हमारी लंबरगनी टेस्ट वॉइस छोड़ गए हैं. ओके तो गाइस अभी जो है माइकल के पास कैमरा है एंड हम लोग को जाना है उस ज्वेलरी शॉप में. तो गाइस यहां पर है हमें इस क्लिप के ऊपर जाना है. हां तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है ज्वेलरी शॉप. तो अभी अंदर की तरफ जाना है और अच्छी सेवा हो रही है लेकिन हम लोग इस कांच को खोलेंगे. ओके तो प्रेस ई. ओके ओके तो गाइज अभी आप लोग देख सकते हैं हमें जो है फोटोज लेने हैं. ओके ओके यहाँ पर से हमें किसके फोटो ले लें भाई सबके फोटो ले लेता हूँ यार कुछ समझ नहीं आ रहा. तो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसके फोटो लेने बोल रहे हैं. ओके तो गाइज अभी जो है हमें असिस्टेंट से बात करनी है ज्वेलरी शॉप पे. So these things built the last, or am I just paying for the Evangelical logo here? No. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around. Think about it. Come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. Got it. ओके तो गाइज फिर से सेवा मिल रही है अच्छी खासी लेकिन हम लोग फिर भी इसी कांच को खोलेंगे तेरी जरूरत नहीं है. ओके तो गाइज अब लोग हम अभी जो है हमें वापस जाना है लेस्टर की कार के पास क्योंकि गाइज हमें ज्वेलरी शॉप के अंदर से जो है फोटोज मिल चुकी है एंड गाइज असिस्टेंट से बात करने का तो सिर्फ बहाना था क्योंकि गाइज उन लोगों को शक ना हो जाए. तो गाइज चलते हैं वापस एंड ये लग रहा कुछ नहीं कर सकता गाइज ये लग रहा है लेकिन गाइज ये दिमाग बहुत जल्दी चलाता है बहुत फास्ट है इसका दिमाग. ओके तो गाइज अभी हमें टेरिस पे जाने के लिए रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा कोई मैप में नहीं मिलेगा तो देखते हैं कहाँ पर है रास्ता. ओके तो गाइज यहाँ पर है मिल गया तो अभी हमें रूफ पे जाना है. गाइज वहाँ से हमें जो है एयर वेंट यानी एसी वेंट के जो मतलब रास्ते हैं वहाँ से हमें एसी वेंट के मतलब फोटोज खींचने हैं ताकि ये लेस्टर को पहुंच जाए फोटोज. यहाँ से हमें अच्छी तरह जाकर ऊपर जाना है. ओ भाई तो गाइस मैंने आपको जैसे थे बोला ही था कि मतलब लेस्टर जो है छोटे मोटे मिशन नहीं देता ये जब भी देता है काफी खतरनाक मिशंस देता है. ओके तो गाइस यहाँ से हमें जाना है आगे की तरफ गेट टू द हाई. ओके हमें हाई लोकेशन पे जाना है तो हम लोग यहाँ तक तो आ चुके हैं अभी आगे क्या करना है. ओके तो यहाँ से ऊपर जाना है मैं रॉन्ग वे पे जा रहा था. ओके
Maybe just a car crash, right? Anonymous charred remains on the highway. Okay, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है एयर वेंट, लेकिन हम लोग इसके ऊपर नहीं जा सकते. ओ भाई कहाँ गए? तो इसके ऊपर चढ़ना है शायद से. लेस्टर बोल रहा है इसके ऊपर चढ़ने के लिए, तो यहाँ पर चढ़ के देख ही लेते हैं. भाई अरे 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 ओ भाई साहब, मुझे लगा अब तो ये गिर जाएगा ऊंची बिल्डिंग से. मिशन फेल. तो गाइज मुझे नहीं पता कि पूरा मिशन इसी मतलब लेस्टर के मिशन पे हो जाएगा कि पता नहीं कितना बड़ा मिशन है ये. ओके ओके, तो गाइज ये ही शॉट है, हमें यहाँ से शॉट लेना है. और किसका शॉट लेना है? तो गाइज अभी चलते हैं वापस. अच्छा बैक टू द कार. माइकल का स्टंट्स मारता है, तो कार खड़ी है वहाँ पर एंड हम लोग ढाई करेंगे तो फिर माइकल का मिशन फेल हो जाएगा. लेकिन गाइज लेस्टर जो है काफी दिमाग वाला बनता है, मतलब ऐसे मिशन वही कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता. अगर गाइज मतलब लेस्टर के जो टांग है वो टूटी हुई नहीं होती, आई मीन वो लगड़ा नहीं होता, तो पता नहीं क्या क्या कर लेता गाइज. अरे भाई माइकल नीचे चलना, एक नंबर जल्दी कर माइकल, लेस्टर बुला रहा है. कहीं जाके तो मेरे को रास्ते भी समझ में नहीं आ रहे. हो भाई तो गाइज अभी हमें चलना है कार के अंदर, देखते हैं फिर क्या करना है. तो गाइस माइकल ने जो है अपने कैमरा जो मतलब माइकल के पास जो कैमरा था वो वापस दे दिया लेस्टर को, क्योंकि वो लेस्टर का कैमरा था. और अभी हम वापस जा रहे हैं गारमेंट फैक्ट्री में, यानी जहां पर लेस्टर बैठा था वहां पर वापस जा रहे हैं. एंड गाइस पता नहीं क्यों मतलब लेस्टर गारमेंट फैक्ट्री में क्यों बैठा था वो पता नहीं, शायद मतलब लेस्टर का अड्डा है वो. ओके तो गाइस लेस्टर का अड्डा ही हो सकता है वो. ओके तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम जो है वापस आ चुके हैं हमारी लोकेशन पे, आई मीन गारमेंट फैक्ट्री पे. लेकिन गाइस आप लोग देख सकते हैं सामने की तरह हमारी खड़ी है हमारी लैम्बोर्गिनी टेज़ो. ओके तो गाइस ये है असिस्टेंट शायद इसकी लेस्टर की, तो इसने फोटोज जो है रेडी करके रखे थे. एंड गाइस क्या आप लोग देख सकते हैं, इसने तो पूरा मतलब रेडी करके रखा है पूरा सेटअप, यहाँ से ये प्लानिंग करेगा. एंड गाइस अभी मैंने जो है लेस्टर की एंड माइकल की बातें सुनी, तो गाइस उसमें जो है माइकल बोल रहा था कि मैं फ्रैंकलिन को भी ऐड करूंगा इस मिशन में, क्योंकि गाइस फ्रैंकलिन जो है वो काफी सही बंदा है इसलिए. ओके तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये इसका प्लान तैयार हो चुका है. एंड गाइस अभी ये जो है माइकल को समझा रहा है पूरा प्लान. गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हैं टू वेज है मतलब अंदर की तरफ जाने के लिए. If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system and hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No. We've got to find some in circulation. It's awkward. It's real awkward. But this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run into the front door or try to play it smart? ओके तो गाइज लेस्टर ने जो है दो ऑप्शन दिए हैं, या तो हम स्मार्टली इस मतलब ज्वेलरी शॉप को लूट सकते हैं, या तो हम लोग जो है मतलब लाउडली यानी फायरिंग करके डायरेक्टली लूट सकते हैं. तो गाइज हम लोग स्मार्ट पे जाएंगे क्योंकि स्मार्ट में मज़ा आएगा, क्योंकि गाइज लाउड में क्या है हम तो सीधा फायरिंग करेंगे लूट लेंगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा. एंड गाइज बी में जो है हमें हैकर की ज़रूरत पड़ेगी एंड फ्रैंकलिन भी साथ में होगा, तो मतलब फ्रैंकलिन तो ए में भी साथ में होगा, लेकिन गाइज प्लान भी काफ़ी खतरनाक होने वाला है क्योंकि इसमें हमको स्मार्ट वे यूज़ करना है. तो गाइज अब जो है हमें सिलेक्ट करना है ड्राइवर, ड्राइविंग स्किल जिसकी सबसे ज़्यादा होगी तो यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है. तो गाइज इसकी जो है एक्सपीरियंस ज़्यादा यानी मतलब ड्राइविंग स्किल सेंस अब ज़्यादा है व्हीकल चॉइस, तो यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं. तो गाइज हमने जो है ड्राइवर सिलेक्ट कर लिया है. एंड गाइज ये है हमारा गनमैन, तो गाइज अभी जो है हमें इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, तो गाइज ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं. He's a pro, not much else to say. Hacker,
ओके तो गाइज अभी जो है हमें हैकर सिलेक्ट करना है, तो या तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं या तो ये। तो गाइज इसका जो एक्सपीरियंस ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है, तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। गुड फेमिनिन टच, शी विल बी एबल टू फाइंड एनी बैक डोर्स दे गॉट। ओके तो गाइस अब आप लोग देख सकते हैं हमारा प्लान जो है तैयार है और हम लोग जो है समझ चुके हैं प्लान को, तो कंफर्म कर देते हैं। एंड गाइस अब जो है हमें कुछ जरूरत पड़ेगी कुछ चीजों की। ओके तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मिशन जो है वो पास हो चुका है। एंड गाइस अब जो है हमें ओके तो गाइस अभी हमें जो है कुछ चीजें कलेक्ट करनी पड़ेगी इस मिशन को करने के लिए। ओके तो गाइस अब आप लोग देख सकते हैं माइकल जो है फ्रैंकलिन को कॉल कर रहा है ताकि मिशन समझा सके। भाई साहब आप लोग देख ही सकते हैं हमारी कार क्या तगड़ी है, स्पीड वाली कार है। ओके तो गाइज माइकल ने जो है अभी फ्रैंकलिन को कॉल किया था एंड गाइज फ्रैंकलिन को बोला था कि मतलब मिशन समझाया था। तो गाइज फ्रैंकलिन जो है तैयार है इस मिशन के लिए। एंड गाइज हमने जो है ड्राइवर गनमैन एंड एक हैकर को भी कर लिया है, मतलब सिलेक्ट हायर कर लिया है। तो गाइज अब जो है हमें मिशन करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग HS का निशान देख सकते हैं, यहाँ पर हमें जाना है। एंड गाइस यहाँ से जो है हमें पेस्ट कंट्रोल वाले की वैन चुराने की, क्योंकि गाइस उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस अगर हम लोग वैन चुराएंगे तो हमारी कार वहीं छूट जाएगी। एंड गाइस मैं नहीं चाहता कि हमारी कार वहीं छूट जाए, तो इस तो गाइस हम लोग एक काम करते हैं, हमारा घर पास ही है तो एक काम करते हैं हमारी गाड़ी जो है वहीं छोड़ देते हैं। एंड गाइस दूसरी गाड़ी उठा लेते हैं, जैसे कि मतलब कोई और किसी और की चुरा लेते हैं, क्योंकि गाइज अगर हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो हमारी कार वहीं छूट जाएगी। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने जो है हमारी कार यहीं पे है जो पार्क करती है, अंदर पार्क कर देते हैं हमारी कार। तो अरे भाई वापस मत बैठ कार में। ओके तो गाइज इसके घर में एनी टाइम लड़ाई चलती रहती है, तो अभी हम लोग चलते हैं उस लोकेशन पे। सबसे पहले तो कोई कार मिल जाए बस, अच्छी सी फास्ट कार। आई थिंक सो वो कार ठीक रहेगी। माइकल से दौड़ा ही नहीं जा रहा है। अरे भाई मत भाग यार। अरे यार ये तो शायद लेस्टर, अरे यार हाँ वो कार शायद लेस्टर से, लेस्टर हो गया लेस्टर की नहीं, वो कार शायद उसकी बेटी ट्रेसी की कार थी वो शायद। ओके तो गाइस ये देखते, अरे भाई साहब अगर यहाँ से चलते हैं उस HS के निशान पे और वहाँ से जो है हमें ज्वेलरी शॉप के लिए एक वैन लेनी पड़ेगी। एंड वैसे गाइज माइकल को और कोई टेंशन नहीं है, बस एक ही टेंशन है कि उसको मार्टिन मद्रासो के पैसे वापस चुकाने हैं, इसलिए गाइज ये मतलब वापस इस फील्ड में उतरा है, वरना गाइज माइकल जो है वो रिटायर हो चुका था इन सब से। ओके तो गाइज ये कार काफी अच्छी लग रही है, ले तू भी ले। अरे भाई ले 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 ले, अरे इधर है यार। ओके तो गाइज पुलिस जो है बहुत प्यार से पीछे पड़ चुकी है। अरे यार मैंने सोचा था गाइज ये कार भी काफी अच्छी होगी, कुछ नहीं है इस कार में भी। ओके तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं वहां पर, मतलब जहां पर हमें जाना है। एंड गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है कार चेंज कर दी है, रास्ते में हमको नई कार मिल गई थी, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी ये कार, तो गाइस मैंने ये कार उठा ली। हमें लगा जिसका रास्ता कहां पर से है मालूम नहीं पड़ रहा, तो हम एक काम करते हैं यार यहां की लोकेशन जो है सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम इजीली पहुंच सके। ओके तो यहां से निकल लेना है। अरे यार ओके तो गाइज यहाँ से हम चलते हैं सीधे एंड ऑलमोस्ट आ चुके हैं, पास में ही है, यहाँ से जो है हमें वो वैन चुरानी है। ओके तो गाइज स्टील यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग पैदल जाते हैं। एंड गाइज ओके तो अंदर की तरफ आप लोग देख सकते हैं कुछ बंदे, यहाँ पर सामने भी आप लोग देख सकते हैं कुछ बंदे खड़े हैं, तो शायद ये माइकल को अंदर नहीं जाने देंगे। ओके तो आप लोग देख सकते हैं सामने की तरफ खड़ी है वैन, लेकिन माइकल को देख। Yeah, I got a class A bug problem. Long overdue. Our booking office is in the city. I'm afraid I can't help. ओके तो भाई साहब ये माइकल इसे बात करना चालू कर दिया था। Toxic substances. ओके
ओके तो हम लोग कार उठाते हैं और चलते हैं। ओ भाई साहब कार लॉक थी शायद से, इसलिए माइकल ने जो है मतलब कार छोड़ दिया। एंड गाइस अलार्म बज चुका है और काफी धीरे है यार, ये कार तो काफी स्लो है। ओ भाई साहब, ओ भाई दो सारी पुलिस पीछे पड़ चुकी है गाइस। हमारे पास जो वैन है मतलब बिल्कुल बेकार वैन है यार, ऐसे कोई वैन की जरूरत थी। भाई अभी हमें जो है, अरे यार अभी जो है हमें पुलिस से पूछा छुड़ाना है जैसे तैसे। तो गाइस काफी स्लो वैन है यार, आप लोग तो इसे फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हैं इसलिए आपको ये फास्ट लग रही होगी, वरना गाइस काफी स्लो है ये वैन। तो भाई साहब पुलिस सामने ही है यार, ओके पुलिस को हम लोग ने पलट दिया। एंड गाइस अब जो है ये पुलिस जल्दी से पीछा नहीं छोड़ेगी यार, भाई जैसे तैसे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। तो गाइस यहां से अब हम अपनी कार तो जंप करा देते हैं। ओ भाई साहब पानी में गिर गए बस, अरे भाई पानी में गिर गई, हाँ हाँ निकल जा निकल जा निकल जा। ओ भाई साहब मुझे लगा अभी गाड़ी खराब हो जाएगी, मिशन फेल हो जाएगा। तो यहाँ से तो हम निकाल देंगे हमारी कार को, आई मीन वैन को। ओके ओके तो गाइस आप लोग देख सकते हैं सामने से आ रही है दो दो प्लीज। अरे भाई ये तो ये वैन काफी स्लो है, ये प्लीज जो है पीछा नहीं छोड़ रही है। ओ भाई साहब पीछे से ठोक रही है यार, आप लोग पीछे से वैन की हालत देखो, पूरे स्क्रैचेस पड़ चुके हैं, डेंट पड़ चुका है गाइस। ओके तो गाइज आप लोग देख सकते हैं पीछे की तरफ पुलिस चुपकी हुई है, तीन तीन कार पीछा छोड़ ही नहीं रही है अब तक। काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे कार दौड़ाते दौड़ाते, आई मीन वैन दौड़ाते दौड़ाते। ओके तो गाइज हम लोग रॉन्ग वे में चलते हैं तो शायद पुलिस पीछा छोड़ दे, मतलब पुलिस तो ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगी लेकिन गाइज इनसे टकरा के शायद छोड़ दे। ओके तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पुलिस ने अब जो है जैसा तैसा पीछा छोड़ ही दिया है। एंड गाइज गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा ठोक दिया है पुलिस वालों ने पीछे से। एंड गाइज हम लोग आ भी चुके हैं काफ़ी पास जहां पर हमें ये कार रखनी है, आई मीन वैन रखनी है। तो गाइज शायद हम लोग वापस सॉरी गारमेंट फैक्ट्री जा रहे हैं आई थिंक, सो उधर ही जा रहे हैं क्योंकि शायद ये वही रास्ता लग रहा है। ओके ओके यहाँ से हमें लेना था राइट लेकिन हम ज़्यादा आगे चुके हैं। तो गाइस सामने से हमें लेना है लेफ्ट और फिर सीधा सीधा चलना है। तो गाइस हमें यहीं पे आना था जहाँ पर हम पहले आए थे, यानी कि गारमेंट फैक्ट्री के पास यानी, और यहाँ पर शायद से हमें जो है अपनी वैन खड़ी कर देनी है। अरे भाई साहब क्यों मतलब। ओके तो गाइज हमने जो है हमारी वैन यहाँ पर खड़ी कर दी है सेफली, तो उतर जाते हैं वैन से एंड चलते हैं। ओके तो गाइज मिशन पास हो चुका है। एंड गाइज अभी आप लोग देख सकते हैं HS पे जो है एक और निशान है आने का। गाइज यहाँ वहाँ से भी हमें कुछ लाना है, यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हैं HS पे एक और निशान है जहाँ से हमें कुछ लाना है। ओके तो गाइस चल के देखते हैं वहाँ पर भी क्या। ओके तो लेस्टर को कॉल कर रहा है माइकल की, मैंने जो है वैन लाके खड़ी कर दी है। ओके तो गाइस फटाफट से वो भी लेके आ जाते हैं, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या होता है। ओके तो गाइस माइकल को ठोकर मार दी। ओके तो गाइस माइकल ने जो है अभी कॉल करके लेस्टर को सब चीज़ें बता दी है कि मैंने वो लेके आ चुका हूँ, मतलब माइकल जो है वो वैन लेके आ चुका है। एंड गाइस अब जो है माइकल को लेके आने हैं, मतलब पता नहीं क्या बोला लेस्टर ने, वहाँ पर हम चलते हैं देखते हैं क्या लेके आना है। तो पहले तो मार्क कर देते हैं वहाँ पर, और गाइस ज़्यादा दूर नहीं है पास ही है। ओके और चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। एंड गाइस आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी खतरनाक होने वाला है मिशन, क्योंकि गाइस अभी जो है हमने हमारी क्रू भी सिलेक्ट कर ली है और फ्रैंकलिन को भी बता दिया है। एंड गाइस काफी मतलब डेयरिंग वाला होने वाला है ये मिशन। ओके तो यहां से हमें लेना था राइट। ओके तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है वो वैन जो हमें चुरानी है। ओके तो वो कार्गो वैन हमें चुरानी है जो भी है मतलब। ओके तो वो तो रोड के इस साइड है तो हम लोग भी आ सकते हैं, तो इस वैन को रुका के देखते हैं रुकती है कि नहीं। ओ भाई साहब ये तो ठोक के चली गई यार, अरे भाई कहाँ जा रहा है। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं लेस्टर जब भी कुछ ना कुछ मतलब मिशन देता है तगड़े मिशन ही देता है, इसीलिए तो गाइस लेस्टर मतलब बहुत फेमस है इस गेम में। रुकते 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 रुकते
अरे भाई हाँ मैंने फुल ब्रेक दबा के रखा है गाइस, लेकिन ये गाड़ी रोक ही नहीं रहा है। अरे भाई साहब, अरे यार ये क्या हो गया भाई, गाड़ी रोक दे, पुश करे जा रहा है। अरे भाई ओके, तो गाइस ये सीधे से नहीं मानेगा, अब इसको बताना ही पड़ेगा, या तो अब सीधा। अरे भाई साहब क्यों आ रहे हो बीच में। ओके तो गाइस अब जो है हम सीधा ड्राइवर को गोली मार देंगे ताकि डायरेक्टली गाड़ी रुक जाए। लेकिन गाइस इसको शायद से पता चल चुका है कि हम लोग इसका पीछा कर रहे हैं, एंड गाइस शायद गाड़ी चुराना चाहते हैं, इसलिए गाइस काफ़ी रफली चला रहा है, मतलब रश ड्राइविंग कर रहा है एंड भाग रहा है, सिग्नल पे भी नहीं रुक रहा है। तो गाइस अब क्या करें, ओ भाई साहब क्या चला रहा है यार। और गाइस हमारे पास भी इतनी अच्छी कार नहीं है कि हम उसको पकड़ सकें। और भाई साहब दोस्त आर की पुलिस पीछे पड़ चुकी है, ये भी उतना ही सताए कि जितना उस टाइम सताया था। तो क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई साहब जल्दी बैठ, एक तो पुलिस पीछे पड़ी हुई है। भाई साहब पुलिस पीछे पड़ी हुई है और हमें जो है वैन चुरानी है कि पता नहीं क्या करना है। तो भाई लिंक तो यहीं का हो रहा है। भाई साहब पुलिस पीछे पड़ी हुई है, जो है काफी ज्यादा बड़ा पंगा हो चुका है गाइस। ओके गेट खुल चुका है एंड गाइस शायद हमें गेट के लूज द कॉप्स। ओके तो गाइस हमें गेट के अंदर से ही कुछ लेना था और अब जो है हमें पुलिस मारना थे। भाई साहब भागो यहाँ से। ओके भाई साहब 3 स्टार की पुलिस पीछे पड़ चुकी है और माइकल अब तक ये भी कर रहा है यार, जल्दी चल यहाँ से। सामने की तरफ आप देख सकते हैं डीलरशिप की शोरूम था। ओके तो गाइस ये जो एलएसपीडी वाले हैं काफी दूर दूर से शॉट्स लगा रहे हैं, आवाज सुन सकते हैं। ओके तो गाइस अभी हमें पुलिस को जो है हराना है। गाइस ये जो मार्कर हमने सेट करके रखा है अब तक वही का है जहाँ पर पहले सेट किया था। मार्कर हटा देते हैं एक बार गाइस वरना कंफ्यूज हो जाएंगे हम। ओके तो गाइस आप लोग मैप में देख सकते हैं नीचे की तरफ काफी ज्यादा पुलिस जो है मतलब एक साथ पीछे पड़ चुकी है एंड गाइस अब जो है हम काफी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब इस पुलिस से पीछा छुड़ाना काफी हार्ड होने वाला है गाइस। हट जा हट जा। ओ भाई साहब देख सकते हैं क्या कपड़े मतलब पीछे से मतलब मार रही है गाड़ी, मतलब ये लोग गाड़ी से ठोकते क्यों है पता नहीं। ओ भाई साहब मतलब पूरा ट्रक से टकरा गया यार ये भगत। ओ भाई साहब ये तो हेलीकॉप्टर से यार शिट। ओके तो गाइस यहां से हम लोग हाईवे पे उतार लेते हैं। ओके गाड़ी की क्या हालत हो चुकी है गाइस, विंडशील्ड इतना कड़ा है इस पे एक गोली का निशान भी आप लोग देख सकते हैं, अब तक काट नहीं आएगा। एंड गाइस अब जो है हम रॉन्ग वे चल रहे हैं और पुलिस काफी ज्यादा पीछे पड़ चुकी है यार। ओके तो गाइस अगर माइकल जो है यहाँ से अगर मर जाता है तो इसके पास जो बैग है जो इसने चुराया था वो, तो गाइस वो मतलब अगर चुरा पुलिस ले सकती है वो वापस, क्योंकि अगर हम लोग मर गए या फिर शायद मतलब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो फिर वो बैग वापस चुरा लेगी, मतलब ले लेगी, चुरा नहीं लेगी, ले लेगी वो पुलिस वाले। ओके तो गाइस यहाँ से हम आ चुके हैं वापस सिटी के अंदर और उसी जगह वापस आ गए चलते चलते जहाँ पर पहले थे। ओके तो गाइज आप लोग देख ही सकते हैं पुलिस ने जो है पीछा छोड़ ही दिया है एंड गाइज अभी जो है हमें वापस गारमेंट फैक्ट्री पे जाना है और देखते हैं आगे क्या होता है। ओके तो गाइज गारमेंट फैक्ट्री भी पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, चलते हैं वहाँ पर। अरे भाई वैसे ये कार संभल ही नहीं रही एंड गाइज कार की हालत देखो यार आप लोग, क्या हालत कर दी यार गाड़ी की। मौसम देख ही सकते हैं काफी अजीब सा मौसम हो रहा है, शायद ये शाम का टाइम है गाइस, शाम के 5-6 बज रहे हैं शायद से, इसलिए पता नहीं गाइस क्या मौसम हो रखा है। तो हम लोग आ चुके हैं वापस गारमेंट फैक्ट्री पे और क्या करना है। ओ भाई साहब माइकल चलती गाड़ी से कूद गया। उठ भाई उठ,
और इसके ऊपर आप लोग गोली के निशान देख ही सकते हैं। ओके तो गाइज अभी हमें अंदर जाना है और लेस्टर को ये हैंड टू हैंड बैग देना है। भाई साहब क्या मिशन था, लेकिन मतलब लेस्टर के तो मतलब बात ही अलग है गाइज, बहुत तगड़ा बंदा, इसके पास ये कुछ भी कर सकता है। ओके तो हमें यहीं पे ड्रॉप कर देना है केस, और हमने जो है यहाँ पर रख दिया, और लेस्टर को वापस कॉल कर रहा है माइकल कि हमने जो है उठा लिया है। ओके तो गाइज अब जो है पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह से शाम और वापस सुबह हो चुकी है। ओके तो गाइज आप लोग देख ही सकते हैं प्लान रेडी हो रहा है, एंड गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं हैकर है और गनमैन है, ड्राइवर है, एंड फ्रैंकलिन भी, और सब लोगों ने जो है बक स्टार्स की ड्रेस पहन ली है। तो आप लोग देख ही सकते हैं काफी तगड़ा प्लान होने वाला है, और लेस्टर जो है काफी तगड़ा बंदा है गाइज, कुछ भी कर सकता है। Depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael, he makes the call. Things look good, we should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep, no problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. ओके तो गाइज माइकल ने जो है वो मिलके मतलब लेस्टर के साथ मिलके सबको प्लान समझा दिया है, एंड गाइज अब जितना भी जो पैसा है मतलब जमा होगा इस ज्वेलरी स्टॉक को लूटने के बाद, तो वो सारा पैसा जो है मतलब लेस्टर बांट देगा इन सब में, मतलब इन जो भी सब लोग जमा हुए हैं, क्रू जमा हुई, उनको पैसों की जरूरत तो पड़ी होगी। इसलिए गाइज आप लोग देख ही सकते हैं हम लोग जा रहे हैं उस लोकेशन पे, एंड गाइज मतलब काफी खतरनाक मिशन होने वाला है गाइज, फर्स्ट टाइम फिर रहा हूं, मुझे भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है। ओके तो गाइज इन सबको लेस्टर जो है पैसे मतलब इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। What you got to worry about? I don't know. I ain't done any real work in years, you know, so I'm giving half. Hey, man, we're gonna need some body work done. The guys are supposed to be the best in the business. All right, then it's all taken care of. You on top of shit? Yeah, do I need to get 12% to a gunman, 14% to a driver, 15% to a hacker? And that's on top of all the other hours. I feel like a chump buying myself a score. Shit, I guess we'll find out if they worth it, right? All right, this is it up there. There's a way through the site, up to the roof. Man, we went over this. I'm cool. ओके तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं वहाँ पर। ओके तो यहाँ पर कार खड़ी कर देंगे, हटा रहा भाई तो अपनी कार यार, इसकी तो अब क्या बोलूँ मैं इसको। ओके तो गाइस अभी जो है हमने कार खड़ी कर दी है, और अब हम लोग एज फ्रैंकलिन खेल रहे हैं। ओके तो हमें वहाँ पर ऊपर जाना है। ओके तो जहाँ पर मतलब पहले फ्रैंक सॉरी माइकल गया था, वहाँ पर वापस रूफ पे जाना है। ओके तो गाइस इन लोगों ने बक्सार की ड्रेस इसलिए पहनी है क्योंकि इन्होंने जो है अपना मतलब लुक चेंज किया है, और ये लोग पेस्ट कंट्रोल वाले बनके यहाँ पर आए हैं ताकि मतलब कोई शक ना करे इन पे। ओके तो गाइस हमें रास्ता ऑलरेडी पता है कि कहाँ पर जाना है, तो डायरेक्ट चलते हैं क्योंकि हम लोग पहले यहाँ पर आ चुके हैं। ओके तो गाइज हमें यहाँ पर आना है, एंड पता नहीं क्या करना है। ओके तो वापस वहीं सेम वही जगह पर आए हैं जहाँ पर पहले आए थे। ओके तो यहाँ पर मार्क भी है ऑलरेडी। ओके तो अभी जो है हमने ये गैस सेलेक्ट कर ली है, और ओके तो आप लोग देख सकते हैं ये जो एयर वेंट है जिसके ऊपर वो रेड सॉरी येलो मार्क बना है, तो गाइज हमें वहाँ पर डालना है। ओके तो गाइज इससे जो है वो गैस एसी वेंट के थ्रू स्टोर के अंदर चली जाएगी। ओके ओ भाई साहब गलत जगह गिर गई, अरे भाई एक भी सही गई सही गई। ओके तो गाइज सही चली गई, एंड शायद अभी एक और डालनी है। ओके तो दो दो गैस जो है हमने अंदर डाल दिए। ओके तो स्टोर के अंदर का सीन है ये, और अंदर कस्टमर्स है, और एसी के थ्रू आप लोग देख सकते हैं गाइस वो गैस अंदर आ रही है, और ये ओके गाइस ये नाराज हो रही है असिस्टेंट। ओके तो भाई साहब सब लोग बेहोश हो रहे हैं भाई, और माइकल जो है अंदर घुस चुका है तीनों लोगों के साथ। ओके तो भाई साहब अभी हमने ओ भाई
ओके तो गाइस अभी हमें ये सब तोड़ना है, कलेक्ट कर लेना है। ओके भाई साहब क्या सीन चल रहा है यार। तो गाइस यहाँ पर जितना हम लोग करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कलेक्ट होगा भाई साहब। सब लोग मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। ओ भाई क्या मतलब माइकल तो बंदूक से कांच तोड़े जा रहा है यार। ओ भाई साहब पूरी स्टोर लूट ली इसने तो। गाइस हमें ये 2 मिनट के अंदर अंदर करना है क्योंकि शायद हैकर ने बोला है क्योंकि ओके तो हमने यहाँ से कलेक्ट कर ली। ओके 50 सेकंड्स के अंदर करना है भाई साहब, 50 सेकंड्स के अंदर सब कलेक्ट करना है। बहुत हार्ड है यार ये। ओके तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, अरे भाई फोन निकल गया। जल्दी जल्दी करना है गाइस अभी हमें, क्योंकि तो हमने ऑलमोस्ट सब कर ही लिया है, हो चुका है। तो अभी क्या बाकी रह चुका है यार। ओके तो गाइस अभी हमें बाहर जाना है। ओ भाई साहब वॉचमैन था पता नहीं कौन था, अच्छा पुलिस वाला था शायद से। तो गाइस माइकल जो है अपना फेमस डायलॉग बोल रहा है। ओके भाई साहब अभी हम पैसा कलेक्ट करके निकल चुके हैं गाइस। 4 मिलियन कितना है गाइस मुझे भी नहीं पता, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कितना पैसा कलेक्ट हुआ। आप लोग नीचे राइट तरफ देख सकते हैं राइट में। ओ भाई साहब 4 स्टार की पुलिस पीछे पड़ चुकी है गाइस। अभी जो है हमें मतलब आगे हमारे जो ड्राइवर या पता नहीं हमारे क्रू का पीछा करना है, मतलब क्रू के साथ चलना है। भाई साहब क्या सीन है यार, लेकिन मतलब क्या खतरनाक सीन था, मतलब एक एक करके सब कांच को तोड़ के। और भाई साहब पुलिस भी छपड़ चुकी है काफ़ी तगड़ी। ओ भाई ओ भाई हम लोग, अरे भाई ये कैसा रास्ता है यार, आज तक कभी नहीं आए हुए यहाँ पर। भाई टर्नल के अंदर आ चुके हम लोग। ओके भाई साहब कैसी जगह पर आ चुके हम लोग, और मुझे ये भी नहीं पता हम लोग एज फ्रैंकलिन खेल रहे हैं कि एज माइकल खेल रहे हैं यार, किस प्लेयर से खेल रहा हूँ वो भी नहीं पता। ठीक है गाइस जो भी चल रहा है काफ़ी ख़तरनाक सीन चल रहा है। अरे भाई साहब हम लोग कैप लॉक दबा के मतलब स्लो कर सकते हैं इसकी जो एबिलिटी है उसको। अच्छा हम लोग फ्रैंकलिन से खेल रहे हैं, फ्रैंकलिन की एबिलिटी है गाइस कि हम लोग ऐसा स्लो कर सकते हैं। भाई साहब आप कटर के अंदर से चला रहा है, मतलब ये सब रास्ता मतलब लेस्टर को मालूम कहाँ से पड़ता है यार। भाई लंगड़े में बहुत दिमाग है गाइस। ओ भाई साहब ओके तो गाइस ये सब जो है वॉकी टॉकी पे बात करते जा रहे हैं एक दूसरे से। राइजिंग वाले अपने कानों में ब्लूटूथ पता नहीं क्या लगा के रखा है। ओ भाई साहब बाहर आ चुके हैं और अब हम लोग खेल रहे हैं एज माइकल। ओ भाई ओके तो अभी हमें इनके साथ चलानी है और हम जो है ट्रक के अंदर है। ओके तो गाइस अभी जो है हमें ये मतलब इन तीनों बाइक्स को हमारे ट्रक के अंदर भरना है जैसे तैसे, इनको बचाना है, मतलब जिनके पास पैसा है उनको बचाना है हमें सबसे पहले। ओ भाई साहब क्या सीन चल रहा है यार, मतलब एकदम मूवी वाला सीन भाई। ओके तो गाइस अभी हमें क्या करना है पता नहीं, हम लोग खाली पीछा कर रहे हैं। हट 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 हो भाई ओके तो गाइस अभी जो है ये तीनों बाइक्स कार के अंदर जाएगी, मतलब ट्रक के अंदर भरेंगे ये तीनों अपनी अपनी बाइक्स, फिर जो है हमें पुलिस से वापस पीछा छुड़ाना है शायद। और यहाँ पर आसपास पुलिस नहीं थी इसलिए गाइस इन्होंने जल्दी जल्दी से हमको ट्रक को रोक के इसके अंदर बाइक्स भर दी फटाफट। ओके तो गाइज अभी पुलिस ने जो है वो भी पीछा छोड़ दिया है, सबसे अच्छी बात तो ये गाइज क्योंकि 4 स्टार की पुलिस गाइज छोटी चीज़ नहीं है। एंड गाइज अब जो है हमें ये लेके जाना है वहाँ पर, तो काफ़ी पास है जहाँ पर हमें जाना है। ओ भाई साहब इधर देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं सामने की तरफ हैकर और माइकल दोनों बैठे हैं और गाइज हैकर ने जो है सीसीटीवी कैमरा का सेंसर जिसको है ना बंद कर दिया था इसलिए गाइज। ओके तो यहाँ पर जो है हमें हमारी ट्रक, ओके हमने हमारी ट्रक पार्क कर दी है। Listen, Lester, I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, right? All right.
Huh? Mm-hmm. Oh, man. We're back in action. ओके तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मिशन जो है पास हो चुका है। ओके तो यहाँ पर कौन है? ओके तो गाइस ये फ्रैंकलिन की गाड़ी, तो फ्रैंकलिन यही था। ओके तो गाइस मिशन जो है पास हो चुका है एंड गाइस माइकल ने जो है वो लेस्टर एंड फ्रैंकलिन को भी दोस्त बना दिया है। एंड गाइस अब जो है मतलब अपना अपना हिस्सा पाने के लिए माइकल के पास जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग बाद में चलेंगे माइकल के मिशन पे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना एंड गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही गेम प्लेस वीडियो लेके आ सकूँ। थैंक यू।